अंतर तजुर्बा कैसा रहा वहाँ? तो आपको काफी पजीराई मिली है। जी मिली बहुत अच्छी पजीराई, पर ये था कि अंदर से मैं बिल्कुल वो हुई हुई थी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, नर्वस थी, क्योंकि मैंने पहले कभी पाकिस्तान से बाहर कभी ट्रैवल भी नहीं था किया और मेरा पहला चांस था। और मुझे कैन फेस्टिवल का एग्जैक्टली पता नहीं था। मुझे पता था कि हाँ फेस्टिवल है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लंबा सा रेड कार्पेट होता है, हर तरफ मीडिया वगैरह वाले होते हैं, आपको कैच कर रहे होते हैं, पर यह था कि मैं कभी इस जगह पर गई नहीं थी। जाना मेरे लिए, मुझे एयरपोर्ट में थे मसले मसाइल हुए अपने जेंडर को लेकर, बट ये मेन चीज ये थी कि मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जाती थी जो आइलैंड को, हमारी मूवी को। पर जब वहां पहुंची हूं, वहां पे लोगों का नजरिया, उनका देखने का तरीके कार, वहां पे कोई जेंडर फोबिया नहीं है लोगों को, लोग टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, काम को पहले रखते हैं। तो मेरा जो इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें, वो चाहे कैन था, वो चाहे टिफ था, मेलबर्न था, लंडन फिल्म फेस्टिवल था, तो मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों ने बहुत इज्जत भी दी, इतने बड़े कटआउट्स लगे हुए थे और मैं खुद हैरान थी कि मैं हूं। आपने कहा एयरपोर्ट पे बहुत मसला हुआ, क्या मसला हुआ? मसला ये हुआ कि मैं सुनती आ रही थी कि ख्वाजा सराओं को मसला होता है एयरपोर्ट में दूसरी किसी कंट्री में जाने के लिए, पर मेरा प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल हुआ मुझे तब जब मैं कैन के लिए गई। जब मैं कैन के लिए गई तो वहाँ पे भी यही मसला था कि मुझे एक मौलवी हजरात थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे एयरपोर्ट में, हम अपना बोर्डिंग पास के लिए गए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेल वाली लाइन पे लगे, आप फीमेल वाली लाइन पे क्यों लगी हुई हैं? जी आप मेल वाली साइड से। जब मैंने देखा मेल वाली लाइन, तो वो बहुत लंबी लाइन थी ना, तो मैंने कहा सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मैं नजर आ रही हूँ कि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ, तो अगर आप मुझे मेल में नहीं तो मैं फीमेल में कंफर्टेबल हूँ, तो आप मुझे यहाँ से आप मुझे स्कैन कर लें, बाय स्कैन के जरिए आप मुझे चेक कर लें। पर उन्होंने कहा नहीं आप जाएंगी तो मेल वाली लाइन से। मैंने उनको काफी एक्सक्यूज किया बट उन्होंने नहीं माना। फिर मुझे था कि चलो अब कोई नहीं, अब मैं इन छोटी मोटी मसलों को देखूं कि मैं अपनी जिस काम के लिए जा रही हूँ वो चीज़